वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में कपास बिक्री की गतिविधियां जारी हैं और इस सफेद सोने को 9,200 रुपए प्रति क्विंटल के दाम मिलते रहने से किसानों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन कपास के उत्पादन में इस साल कमी दिखाई दे रही है। पिछले साल कपास को अच्छे दाम मिले थे, जिस कारण से इस बार कपास की बुआई अधिक की गई, लेकिन मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि के कारण कपास उत्पादक किसानों का 50-60% नुकसान हुआ है। उत्पादन कम होने से कहीं खुशी तो कहीं गम जैसी अवस्था देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कपास और सोयाबीन को नकद उत्पादन माना जाता है। किसानों को इसी फसल पर अधिक नजर रहती है। फसल बढ़ने की अवस्था रहते इस वर्ष अगस्त व सितंबर महीने में अधिकांश स्थानों पर अतिवृष्टि और इसके अलावा बदरीले मौसम, धूप का अभाव और खेतों में जल जमाव रहने से फसलों की ग्रोथ नहीं हो पाई, जिसके चलते कपास पीली पड़ गई। कीड़े और रोगों का प्रभाव होने से उत्पादन में कमी दर्ज की गई। आपको बता दें कि दिवाली के समय पर कपास की बिक्री की शुरुआत हुई, लेकिन कपास का उत्पादन प्रति एकड़ 2 से 3 क्विंटल ही निकल पाया। दरअसल अनेक गांवों में बारिश से नुकसान होने के बावजूद संबंधित गांवों को शासन की तरफ से कोई सहायता फिलहाल मिलती दिखाई नहीं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।